तो देखो दोस्तों, एक और असाइनमेंट के साथ मैं आपके साथ मिलना चाह रहा हूं, और ये असाइनमेंट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी एरोमेटिक कंपाउंड में होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के कारण सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पूरा असाइनमेंट हमारे पास इसी तरह की रिएक्शंस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एरोमेटिक से रिलेटेड होगी, हैलोजिनेशन रिएक्शन होगी, एल्काइलेशन होगी, एसाइलेशन होगी, जिनको नेम रिएक्शन में हम डिफाइन करें तो फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा, नाइट्रेशन देखने को मिलेगा, सल्फोनेशन देखने को मिलेगा। तो हो जाओ तैयार और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1/1। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास दिया है, नॉर्मली बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑल्दो इट हैज डबल बॉन्ड, एक्सप्लेन वाई। यानी इसमें डबल बॉन्ड है तो ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा, सब्स्टिट्यूशन क्यों दे रहा है? तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर बहुत इजी रहेगा कि अगर ये बेंजीन रिंग जो आपके पास है, अगर ये एडिशन रिएक्शन देती है, तो ध्यान से देखिएगा क्या इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी। हाँ, इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी। यहां अगर एच एक्स जुड़ जाता है तो यहां आपके पास इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई, तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। जबकि अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इस हाइड्रोजन को हटाता है, तो इसकी एरोमेटिसिटी बचती रहेगी और यहां पर एक आपके पास इलेक्ट्रोफाइल एक्स प्लस अटैच हो गया है, तो यहाँ एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जिसे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देगा, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये आसानी से नहीं देगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन रिंग्स कंटेन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो सारे ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होते हैं जो माइनस एम या माइनस आई रखते हैं, पक्का? तो आप ही बताइए क्या ये एक्टिवेटिंग है। हाँ, ये एक्टिवेटिंग है, लेकिन पूछ क्या रहा है, डीएक्टिवेटिंग। क्या फिनाइल अपने आप में एक्टिवेटिंग है? हाँ। क्या ब्रोमीन अपने आप में एक्टिवेटिंग है? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो यही पूछ रहा है, इसका आंसर सी जाएगा। क्या CH3 डीएक्टिवेटिंग है? नहीं, ये प्लस एम ग्रुप है। कौन सा है? प्लस एच ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है यहां पर, और यहां पर माइनस आई ग्रुप है। तो अभी तक हमारा आंसर सी जा रहा है, डीएक्टिवेटिंग में NO2 स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, माइनस एम की वजह से, प्लस एम की वजह से ये एक्टिवेटिंग है, और माइनस आई डीएक्टिवेटिंग। तो अभी तक हमारे पास तीन डीएक्टिवेटिंग है, और CCl3B-I डीएक्टिवेटिंग, या माइनस एच भी बोल सकते हो आप, यहां पर भी आप माइनस एच बोल सकते हो। तो एक तरह से आपके आंसर क्या जाएंगे, CEGH, टिक करिए। तो यहां आपका आंसर आएगा CEGH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन रिंग कंटेन ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। चलिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। क्लोरीन अपने आप में माइनस एम है, सॉरी प्लस एम है, माइनस आई है, तो ये डीएक्टिवेटिंग तो है, लेकिन है ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, इसलिए आंसर ए जाएगा। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये डायरेक्शन नेचर डिसाइड करेगा। OH प्लस एम है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ऑर्थोपेरा है, ये भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस एम। वो सारे ग्रुप जो प्लस एम है ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं। NO2 माइनस एम है, मेटा डायरेक्टिंग होगा। CN माइनस एम ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग होगा। यहां हमारे पास एमाइड जो कि अपने आप में प्लस एम ग्रुप है, और प्लस एम होने की वजह से ये एक्टिवेटिंग भी है और ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग भी है। CHO माइनस एम ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये हमारे लिए मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग। और ये हमारे पास देखा जाता है तो इस जगह हमारे लिए ये माइनस एच है और माइनस आई भी है, माइनस आई डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर, और ये डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन है ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा, आप खुद आंसर लिखिए, A3 का आंसर जाएगा आपके पास
एक तो ए बी सी और एफ एच, ए बी सी एफ एच, तो ये आंसर आपके पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप रीड करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए फोर, ए फोर में क्या पूछा जा रहा है आप देखिए। ए फोर क्वेश्चंस, इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देखिए, एक बेंज ए के अंदर वन बेंजीन रिंग शो द प्लस एम इफेक्ट टू अनदर बेंजीन रिंग, तो इसीलिए एंथ्रासीन नेफ्थलीन से ज्यादा होगी और फिर बेंजीन सबसे पीछे होगी। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, यानी आपके लिए यहां पर जो आंसर होगा ए का, वो होगा सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। सेकेंड को देखते हैं, बी को। यहां हमारे पास जब बी की बात करते हैं तो बी के अंदर यहां प्लस है, जो कि अपने आप में माइनस, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट देगा। ये ओ माइनस है जो कि प्लस एम देगा, एफ माइनस आई रखेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रखेगा जितना ये था। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा बी के अंदर? सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, और सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका है, बड़ा माइनस आई है, इसलिए फर्स्ट सबसे कम। सी को देखते हैं हम, यहां प्लस एम, दोनों प्लस एम है, यहां प्लस एम और ये बड़ा प्लस एम है, यहां प्लस एम और माइनस एम, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा कौन रहेगा? सेकंड, फिर दोनों प्लस एम है फर्स्ट, और प्लस एम माइनस एम दोनों है तो थर्ड। अब डी पे आते हैं हम, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, सिंपल पिरीडीन है, पायरोल है, इसकी वजह से यहां पर माइनस चार्ज आएगा क्योंकि ये लोन पेयर डोनर है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, यानी यहां पर ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो हर एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहां डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां इस ऑर्थो पोजीशन पे, या अल्फा पोजीशन बोल दीजिए, इस जगह बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, किसकी? इलेक्ट्रोफाइल की। तो इसीलिए डी के लिए सबसे ज्यादा होगा थर्ड, फिर होगा फर्स्ट और फिर होगा सेकंड। अब आप कहेंगे फर्स्ट और सेकंड में क्यों, मैं बताऊंगा। देखो, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर कोई रिएक्टिविटी नहीं कर रहा, ना लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन नाइट्रोजन की वजह से माइनस आई इफेक्ट रहेगा और कार्बन पे प्लस डेल्टा चार्ज होगा, और जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो पार्ट कार्बन पे हो रहा है, और कार्बन पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए, यानी माइनस चार्ज चाहिए, प्लस नहीं। तो इस नाइट्रोजन की वजह से यहां कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आएगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, जबकि यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर शेयरिंग में है और रेजोनेंस में है, जिसकी वजह से यहां पर माइनस चार्ज आएगा कार्बन पे और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो एक जगह नाइट्रोजन सपोर्ट कर रहा है और एक जगह अगेंस्ट में है, तो नंबर थर्ड सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम सेकंड, और बीच में बचा फर्स्ट। तो ये एक तरह से मेरे सारे एग्जाम्पल हो गए डी तक। अब देखिए नेक्स्ट ए फाइव देखिएगा, आप रीड करना शुरू कर दें ए फाइव को। क्या कहता है ए फाइव? वाई फॉलोइंग ऑर्गेनिक क्लोराइड विल नॉट गिव ए फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोडक्ट व्हेन हीटेड विद बेंजीन एंड AlCl3। तो यहां हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है, क्या आप AlCl3 के साथ इसको देंगे? तो विनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, मैं फिर बोल रहा हूं ये सीएल बाहर नहीं निकलेगा, यहां कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, इसलिए ये एल्काइलेशन या नहीं देगा। दूसरा, यहां डीबीसी है, तो ये डीबीसी की वजह से कार्बोकेटायन नहीं बना पाएगा और ये विनाइल कार्बोकेटायन होने की वजह से नहीं बना पाएगा, तो दोनों ही जगह हमारे पास कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, और जब कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल आप सही लिख सकते हैं। अब सेक्शन बी पे आ रहे हैं, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन? तो आप मुझे यहां पर यही है, अकाउंट फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़िए इसको एक बार। यानी कुल मिला के इसके अंदर है क्या?
आपको पूरी मैकेनिज्म लिखनी है क्लोरीनेशंस की। तो सबसे पहले Cl2 को ब्रेक करना है ट्वाइस Cl डॉट में, फिर Cl डॉट रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑब्वियसली मिथेन है CH4, तो यहां पर क्या बनाएगा CH3 डॉट प्लस CH3 और Cl भी बनाएगा, और ऐसा भी हो सकता है H डॉट भी बना सकता है, और ऐसी रिएक्शन भी हो सकती है CH3 डॉट प्लस, जिसके ज्यादा चांसेस है, और वो है हमारे पास HCl। तो ये जो CH3 है ये CH3 डॉट के साथ रिएक्शन करेगा जिसके चांसेस बहुत कम है ये भी, और C2H6 बनेगा। तो क्या हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इथेन होगा? हाँ, लेकिन बहुत कम, और यही चीज पूछा जा रहा है। जो कि टर्मिनल आएंगे ये स्टेप्स होंगी, ये हम के इस तरह से स्टार्टिंग होगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जो आप रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर देख सकते हैं, मेरे लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चंस में, गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ मोनो ब्रोमिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इसमें आप देखिए कहीं पर भी आ जाए फ्री रेडिकल बनना तय है, फ्री रेडिकल बनेगा तो कहीं पर भी ब्रोमिनेशन हो सकता है, यहां पर हो सकता है, सब आइडेंटिकल पोजीशन है तो मेजर एक ही रहेगा। तो यहां पर बी आर रहेगा, जहां फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है वहीं ब्रोमीन अटैच कर दो। यहां थ्री डिग्री है, यहां पर थ्री डिग्री है तो ब्रोमिनेशन यहां होगा। यहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस में होगा, इसलिए ब्रोमीन यहां पर आएगा। नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे बराबर है आइडेंटिकल पोजिशन में, तो इसलिए हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट हमने बना दिए। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस बिलो, यह हमारे पास परऑक्साइड में देखना है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है आपको, और ये भी फ्री रेडिकल है तो एंटी मार्कोनिकॉफ में जस्ट अपोजिट लगता है। जनरली मार्कोनिकॉफ में क्या लगता है, बी आर अटैच ऑन दोस कार्बन विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है लगेगा, तो एक दो तीन चार, तो बी आर कॉर्नर पे जाएगा क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, और आपको यहां पर बी आर वहां लगाना होता है जहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा हो, यानी लेस की जगह मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। चलिए नेक्स्ट, अब आपके पास आ रहा है बी फोर क्वेश्चंस एनबीएस है। एनबीएस का मतलब है एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है और ये एलाइलिक पोजीशन पे देता है, यानी ब्रोमीन अटैच करेगा तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, तो एलाइलिक पोजीशन में फ्री रेडिकल बनता है। और अगर इसने कहा है दो प्रोडक्ट बनने, तो एक बार तो इसका ही रेजोनेंस करा दो, तो CH2C ये वाला फ्री रेडिकल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड इसके यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड होने की वजह से CH2CH3, तो एक बार ब्रोमीन यहां लगा दीजिए, ये ब्रोमीन मैंने यहां लगा दिया है, और एक बार ब्रोमीन यहां लगा दीजिए, तो एक तरह से फ्री रेडिकल बना जिसने रेजोनेंस दिया है, रेजोनेंस की वजह से दो प्रोडक्ट हमें बी और सी मिल रहे हैं। अब आगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, आपको यहां देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, सिंपल है। व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HBr, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HBr देखिए, HBr के साथ जब भी रिएक्शन होगी एडिशन रिएक्शन होगा, एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन दे रहे थे, लेकिन ये एल्कीन है, ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है, और इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मोर रिएक्टिविटी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है और इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो आप मुझे बताइए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किसका होगा? आप बिल्कुल सही है, फोर्थ नंबर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। देन यहाँ पर थर्ड नंबर पर आएगा क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, रेजोनेंस को देखना है आपको, तो जितने ज्यादा फिनाइल रिंग होगी रेजोनेंस उतना ज्यादा होगा, तो फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद यहां कार्बोकेटायन क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो सेकंड और सेकंड के बाद फिफ्थ फर्स्ट, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अगर कार्बोकेटायन कहीं पे भी बनाएंगे तो आपको अल्फा हाइड्रोजन कम दिखाई देंगे, यहाँ प्लस होते हैं, यहाँ एच आएगा, तो यहाँ तीन और दो पांच अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर तीन तीन छह और तीन नौ, नाइन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहां रेजोनेंस और यहां बिग रेजोनेंस, इस तरह से आप देख सकते हैं। द ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, द एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन फॉलोइंग ऑर्डर, यहां भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होगा और डायरेक्टली आपको देखना है जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसमें, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो
यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा, एच यहां जाएगा और कार्बोकेटायन यहां आएगा, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 3 प्लस 3 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मोर रिएक्टिविटी। अब क्वेश्चन नंबर C3, गिव प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर भी कार्बोकेटायन बना के रिएक्टिविटी शो करना है। तो आप खुद ही देख लीजिए, जब मैं C3 का देख रहा हूं A, तो कार्बोकेटायन में यहां बनाऊंगा और जहां कार्बोकेटायन बनेगा वहीं Cl आएगा, सही है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहां पर C4, फिर कार्बोकेटायन में बनाऊंगा और कार्बोकेटायन बना के यहां तो सिंपल ब्रोमिनेशन है Br2 pH के साथ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, फ्री रेडिकल है। तो इसको करने का तो अपना खुद का ही अलग ही मजा है। देखिए कैसे करते हैं, अपन इसको देखते हैं एक बार, सिंपल ब्रोमिनेशन है। तो अब आप ये बताइए, यहां पर मेरा गुरु मंत्र काम आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, पीएच कैसा है ये एंटी, बोलो है या नहीं है। एंटी का मतलब ट्रांस, ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस को आप क्या लिखते हो मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव। Br2 एडिशन कैसा है एंटी एडिशन, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना। तो जब ये बात बिल्कुल सही है पॉजिटिव होता है, तो दोनों Br आपको प्रोडक्ट साइड में सेम डायरेक्शन में दिखाई देंगे, यानी कुछ इस तरह का दिखाई देगा, दोनों Br आपको सेम डायरेक्शन में दिखाई देंगे और दोनों हाइड्रोजन इस तरफ दिखाई देंगे और एक तरफ पीएच और एक तरफ CH3, तो कुल मिला के आपको ये कंपाउंड दिखाई देगा इसके अंदर। मेरा ट्रिक बहुत ध्यान से सुनना, नेगेटिव बनाना है एंटी को नेगेटिव, यानी कि ट्रांस को नेगेटिव, सिस को पॉजिटिव लेते हैं, Br2 एंटी एडिशन होता है नेगेटिव लेना है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव, यानी दोनों Br हमारे लिए क्या हो गए सेम डायरेक्शन पॉजिटिव। तो ये आपको बनाना है, बहुत आसान है, लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, तो अब अगला पॉइंट क्या हो रहा है हमारा जो हमें यहां समझना है, देखिए HOCl, बिल्कुल HOCl है, HOCl में OH पे नेगेटिव चार्ज है और Cl पे पॉजिटिव बनेगा, तो कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हो कि यहां पर जहां मोर नंबर ऑफ कार्बन है यानी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां तो OH आएगा और बाकी दूसरी जगह क्या आएगा Cl आएगा, बिल्कुल क्लियर रखिए, एक तरफ OH एक तरफ Cl, और यहां पर H हाइड्रोलिसिस किया है H प्लस के साथ, बहुत अच्छा पॉइंट है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होगा जो 1-2 शिफ्टिंग देगा और 1-2 शिफ्टिंग देके यहां जाएगा और OH इसलिए यहां अटैच होगा, तो यहां कार्बोकेटायन के साथ 1-2 शिफ्टिंग भी होगी। करिए इसको, हाँ बेटा आपका बिल्कुल सही है कहना, इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनेंगे, आप यही कहना चाह रहे हो ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है, इन्होंने कहा है कि सर क्या इसमें दो प्रोडक्ट है, हाँ एक तो होगा पीएच Br, Br दोनों इस तरफ लिखते हैं, एच एच और यहाँ CH3, क्योंकि ये मेजो नहीं है, आपको मैं फिर बताना चाह रहा हूँ ये मेजो नहीं है, तो इसका एक एनाइशोमर्स जरूर बनेगा, मिरर इमेज आएगा, Br इस तरफ आएगा और एच एच और पीएच CH3, तो कुल मिला के आपको इस तरह का एक कंपाउंड और देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल मीनिंग सेम ही है, पीएच CH3 सॉलिड, इसको सॉलिड लिखना Br और इस तरफ डैश 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 Br, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, या फिर इसको उल्टा ऐसे लिख देना, कैसे pH डैश 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 Br इस तरह और सॉलिड इस तरफ, बात बिल्कुल सही है, और CH3 ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये एक दूसरे के क्या है एनाइशोमर्स हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं ऐसा क्वेश्चंस के अंदर अच्छे से लिख लीजिएगा, आपके दो आंसर आएंगे, मैं जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये आपका सही कहना है। नेक्स्ट, जल्दी से इसको आगे करिए, अगला क्वेश्चन क्या है C4, क्या कहता है C4 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन Br2CCl4 रिएक्ट विद सिस ब्यूटूइन एंड ट्रांस ब्यूटूइन, मेरी ट्रिक तैयार है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब आपके पास इस जगह कौन सी है सिस है, सिस का मतलब क्या होता है पॉजिटिव और ट्रांस का मतलब क्या होता है नेगेटिव, Br2 एडिशन कैसा होता है एंटी यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो आंसर ए का आंसर क्या होगा नेगेटिव, यानी एक तरफ Br इस तरफ जाएगा, Br इस तरफ जाएगा और ब्यूटीन है यानी CH3 CH3 दोनों ऊपर नीचे आएंगे HH, बिल्कुल सही कहा, ये जाएगा,
क्या ये racemic बनाएगा? हाँ, क्योंकि यहां पर आपके पास POS नहीं है, तो एक और enantiomers बनेगा जो कि इस तरह से बनेगा BR BR H H CH3 CH3, yes or no? अब बात करते हैं trans, negative negative क्या होगा? Positive, और negative negative positive होगा BR BR H H और CH3 CH3, क्या इसके अंदर plane of symmetry है? हाँ, तो ये एक तरह से meso बनाएगा, clear करिए, तो यहां आपको मेजो दिखाई देगा जबकि यहां आपको रेसेमिक मिक्सचर दिखाई देगा. क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए, क्या यहां कह रहा है? यहां देखिए एक तरह से परोक्साइड है, परोक्साइड है, तो इस जगह आप आंसर क्या बनाएंगे? आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है और एक तरह से फ्री रेडिकल बनाना है, तो बहुत इजी है, सी एच सी एच थ्री. फ्री रेडिकल कहां स्टेबल होगा? इस जगह स्टेबल होगा, बोलो यस. तो पहले फ्री रेडिकल यहां स्टेबल होगा, तो Br एक तरह से यहां अटैच हो जाएगा और बचा हुआ हाइड्रोजन, पहले Br आता है वो यहां अटैच होता है, फिर बचा हुआ हाइड्रोजन आपको यहां देखने को मिलेगा, तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा. इज दैट क्लियर? जबकि HBr के एडिशन में नॉर्मल बिना परोक्साइड में पहले H+ आएगा, H+ आएगा तो यहां पर H+ अटैक होगा जिससे यहां पर कार्बोकैटायन इस जगह बने और Br यहां आए. ये हो गया मार्कोनिकोव रूल और ये हो गया एंटी मार्कोनिकोव रूल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो तरीके से करिए आप, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. यानी यहां आपका आंसर कुछ इस तरह का होगा जो कि Br और ये CH देखने को मिलेगा, क्लियर है? दो, एक और यहां CH3. इस तरह से आपको इसके दोनों प्रोडक्ट मैंने बना दिए, ए और बी. ये ए रहेगा, ये बी रहेगा. अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है. देखिए सेक्शन, इसके अंदर हमारे पास क्या है? सेक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, द रिएजेंट यूज फॉर फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन. तो हम लुईस एसिड लेते हैं और लुईस एसिड के लिए हमारे पास एनहाइड्रस होना बहुत जरूरी है, एनहाइड्रस AlCl3. तो आंसर क्या जाएगा? सी. लिखिए एनहाइड्रस AlCl3 और आंसर क्या जाएगा? सी. नेक्स्ट, अब बात आ रहा है A2 क्वेश्चंस हमारे लिए. क्या कहता है A2 क्वेश्चंस में? देखिए आप, Which of the following will undergo sulfonation at fastest rate? Sulfonation एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और यहां पर सभी के अंदर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एच कहां होगा? यहां पर, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी सब में कम रहेंगे, तो सबसे ज्यादा फास्ट जो होगा वो यही होगा क्योंकि यहां पर प्लस एच सबसे ज्यादा है. बाकी देख लीजिए यहां पर कितने 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसके कंपेयर में काफी कम होगा. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? ये एक्टिवेटिंग है, ये दो तीनों एक्टिवेटिंग है, डी एक्टिवेटिंग यही है, और हैलोजन डी एक्टिवेटिंग होने के साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होते हैं, ये इनकी खास बात है. डी एक्टिवेटिंग है लेकिन काम एक्टिवेटिंग जैसा भी करते हैं. कैसे? डायरेक्शनल वाइज ये एक्टिवेटिंग है और रिएक्टिविटी वाइज ये डी एक्टिवेटिंग है. नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है? देखिए द कंपाउंड एक्स, यहां एक्स है AlCl3, तो आप ही बताइए एनहाइड्रस किसको लेगा, Cl को लेगा या I को लेगा? Cl को लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, तो आयोडीन अटैच होगा तो आयोडिफिकेशन होगा यहां पर, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा? A4 का B. तो आप A4 का B करिए फास्ट, तो इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करना शुरू कर दीजिए. क्या कहता है? टोलुइन इज ऑर्थो पैरा ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मैं तो पहले ही बोल रहा हूं कि ये जो टोलुइन है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो है लेकिन डायरेक्शन वाइज ये ऑर्थो पैरा है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, नहीं प्लस एम इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, प्लस एम या प्लस एच, प्लस एच. तो आंसर क्या जाएगा? हाइपर कंजुगेशन बिटवीन मिथाइल ग्रुप एंड फिनाइल रिंग. तो ये भी गलत, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आपके पास सही है. टोलुइन इज
ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल सही है। हैलोजन के लिए मैं बोल सकता हूँ वो भी ऑर्थोपेरा होते हैं और वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, जबकि मिथाइल ग्रुप तो अपने आप में क्या है, एक्टिवेटिंग है, और मिथाइल ग्रुप अपने आप में एक्टिवेटिंग है और ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग भी है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सही जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेस्पॉन्ड टू प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड व्हेन एक्सेस सी सिक्स एच सिक्स रिएक्ट विद सी एच टू सी एल टू, देखिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है और सी एल पी एस से रिप्लेस हो जाएगा, दो सी एल है दोनों को हटा दो, दोनों सी एल किससे हट जाएगा पी एच यानी फिनाइल ग्रुप से, तो आंसर क्या जाएगा डी जाएगा, तो यहां आपका आंसर डी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर ए सेवन, फॉर प्रिपेयरिंग मोनो एल्काइल बेंजीन, मोनो एल्काइल बेंजीन एसाइलेशन प्रोसेस इज प्रिफेयर्ड, ठीक है, देन डायरेक्ट एल्काइलेशन बिकॉज, भाई क्यों ऐसा है, अब आप देखिए इन एल्काइलेशन पॉइजनस गैस इज इवॉल्व, तो ये सारे पॉइंट बहुत इजी है, पढ़ना शुरू कर, तो आंसर क्या पढ़ेंगे बी एल्काइलेशन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, इन एल्काइलेशन पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म, बिल्कुल सही है, पॉली एल्काइलेट बहुत सारे बन जाते हैं, एक पहले ऑर्थो पे आएगा फिर देखने का मतलब है एक बार एल्काइलेशन हो जाएगा फिर उसके पेरा में हो जाएगा फिर ऑर्थो में भी होने के चांसेस हैं, तो इसीलिए मैं मोनो एल्काइल बेंजीन एसाइलेशन प्रोसेस इज प्रिफर्ड, बिल्कुल मैं इसीलिए यहां पर एसाइलेशन में ऐसा देखने को कम मिलता है, तो आंसर जाएगा सी। पॉली एल्काइलेशन का मतलब नहीं मालूम, देखिए सबसे पहले ये बेंजीन था, आपने इसका आर एक्स से रिएक्शन कराया एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री, तो आर जुड़ चुका है, फिर एक और बार रिएक्शन हो जाएगी और फिर आर जुड़ जाएगा, फिर एक बार और हो जाएगी आर जुड़ जाएगा, फिर एक बार और हो जाएगी आर जुड़ जाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते जाएंगे, तो ये हमारे लिए दिक्कत का काम कर रहा है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही है, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द डायरेक्शन द डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस इज एक्सपेक्टेड बाय, बिल्कुल है, प्लस एम ऑफ क्लोरीन, प्लस एम भी देते हैं माइनस आई भी देते हैं, लेकिन जब डायरेक्शन निकालना होता है तो प्लस एम देखते हैं और एक्टिवेटिंग दिखाना होता है यहां पर तो माइनस आई देखते हैं, जो कि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, इनमें माइनस आई डोमिनेट कर जाता है इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो है, लेकिन डायरेक्शन तो बताते ही प्लस एम है इसलिए आंसर ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब अगला नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दोनों हमें देखना है, तो इन द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन द चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है आप ही जानते, क्लोरीन आपके पास क्या होगा क्लोरीन रेडिकल, तो B1 का आंसर क्या जाएगा आपका, B1 का आंसर आएगा आपके पास A, ठीक है। B2 पढ़िए, B2 हमारे पास क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इन चेन रिएक्शन ऑफ मेथेन विथ सी एल टू, तो कौन सा नहीं देखने को मिल रहा है B2 के अंदर, आप ही बताइए क्या ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है आपके पास कि सी एच निकल जाएगा, जनरली सी एच थ्री डॉट निकलता है, तो ये वाला कभी भी एच डॉट हाईली अनस्टेबल है इसलिए ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, सी एच थ्री सी एल बनेगा एच डॉट नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको यहाँ पर लिखा भी है कैन नॉट बी कंसिडर्ड, ये बहुत कम है हमारे पास, बाकी सब देखने को मिलेंगे, ये मिलेगा सी एल ये भी मिलेगा और ये भी आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो B2 का आंसर आपके लिए ये बिल्कुल सही कंसीडर है। नेक्स्ट B2 के बाद आपके पास आ रहा है B3। नेक्स्ट एक गैसियस हाइड्रोकार्बन एक्स ऑन ओरिएंटेशंस विद ब्रोमीन इन लाइट फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ टू मोनो ब्रोमो एल्केन्स एंड HBr, ठीक है, द हाइड्रोबोरेशन एक्स इज, तो एक्स किसका, एक्स से आपको सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनेंगे वो भी मोनो, मोनो की बात कर रहा है मोनो ब्रोमिनेशन, तो देखिए यहां पर अगर मोनो बनाना है तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपके, छह के छह हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, यहां तो बहुत सारे बन जाएंगे, यहां देखा जाए तो एक, क्योंकि ये कायरलिटी भी जनरेट करेगा, दो तीन बहुत सारे मतलब तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं मुझे, दो ही बनाने,
जबकि यहां पर सिर्फ दो ही तरह का बनेगा, या तो यहां अटैच होगा, कायरलिटी नहीं है, बस एक ही बनेगा यहां पर, या फिर एक यहां पर। तो हमारा आंसर यही है, इसमें ही आपको दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहां पर आपको एक दो तीन चार पांच और छह, यानी छह तरह के प्रोडक्ट बनने यहां पर, और यहां अलग अलग कंसीडर होगा क्योंकि कायरलिटी जनरेट हो रही है, वो आपको मैंने अपने मेन नोट्स के अंदर समझा रखा है कैसे है, देख लीजिएगा। तो यहां सिक्स प्रोडक्ट्स बनेंगे, सिक्स तरह के, यहां टू, यहां आपको मैंने बताया थ्री, यहां मैंने आपको बताया वन। तो अच्छा एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, द मैक्सिमम इजी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय क्लोरीन एटम इज शोन बाय, तो कहां आपको ज्यादा आसानी से होगा, इजीली निकल जाएगा, तो आप खुद ही बताइए कि जहां आपके पास फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल हो वो सबसे अच्छा है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा, सी, यानी बी फोर का आप आंसर क्या टिक करेंगे, बी फोर का आंसर आपके पास आ रहा है सी। अब बी फाइव पढ़ना चालू कर दीजिए, मिथेन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट टू गिव एन फाइनल प्रोडक्ट। वही आप एक्सेस ऑफ क्लोरीन है, तो सारे मिथेन के कार्बन हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दो, क्लोरीन से, तो आंसर आपका क्या आएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, आपको यहाँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बी सिक्स, यहाँ एन ब्रोमो सक्सिनामाइड है और परऑक्साइड है, चलिए ठीक है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी। फ्री रेडिकल में बी आर कहाँ स्टेबल है, यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो हुई है, लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी आपका आंसर क्या जाएगा, बी सिक्स का बॉम्बे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हाइड्रोजन आपका बी आर से रिप्लेस हो जाएगा, एन बी एस वैसे भी एलाइलिक पोजिशन पे करता है, तो बी सिक्स का आंसर क्या जाएगा, बी। जल्दी से करें, अब बी सेवन रीड करना चालू कर दो, बी सेवन क्या आंसर आ रहा है इसका, करिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द ब्रोमिनेशन ऑफ फर्स्ट मेंबर इज इजियर देन सेकेंड मेंबर। अच्छा, आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन, तो पहले तो देखो ब्रोमिनेशन कहाँ आसानी से होगा, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन में फर्स्ट मेंबर ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाँ, क्योंकि ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनाएगा, देखो ये आइसोब्यूटेन है तो ये फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, हाँ, इसलिए ये तो मेरा आंसर हो गया। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में सेकेंड वाला तेजी से करेगा तो ये आंसर नहीं है। मिथेन और इथेन, इथेन का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा तेजी से देगा, यानी सेकेंड फास्ट देगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए, आप ए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना शुरू कर दीजिए, क्या कह रहा है, बी एट, एनबीएस यानी ब्रोमिनेशन होगा और वो भी एलाइलिक पोजीशन पे, तो एलाइलिक पोजीशन इसकी कौन सी है, ये वाली, तो यहां पर डी आंसर आएगा, ये टॉलुइन का जो हाइड्रोजन है ये इसके लिए एलाइलिक पोजीशन है, इसके लिए, इस डबल बॉन्ड के लिए, तो ये हमेशा डायरेक्ट अटैच कार्बन और बेंजीन के साथ जो भी हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके ब्रोमीन बना देता है, कौन, एनबीएस, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब देखिए यहां पर एचबीआर है और परऑक्साइड भी है, तो परऑक्साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा जिसको आप खराश इफेक्ट बोल सकते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोल सकते हो, और बीआर अटैच होगा वहां पर जहां पर आपके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो बीआर यहां अटैच होगा, यानी आंसर क्या जाएगा, बी नाइन का ए। चलिए बी नाइन का ए लॉक करें और आगे करना चालू करें, बी टेन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ एचबीआर इज नॉट ऑब्जर्व इन, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि उसमें तो दोनों आइडेंटिकल पोजिशन होती है, जैसे एथीन या ब्यूटूइन, तो यहां पर ऑप्शन है ब्यूटूइन ड्यू टू सिमेट्री, अभी देख लीजिए दोनों पोजिशन सेम है, कहीं पे भी बी आर लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा सी, क्या कह रहा है सी क्वेश्चन, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन। एसिड कैटेलाइज में कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट, और कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा है, तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, थर्ड में, थर्ड में सबसे ज्यादा है, फिर फोर्थ के अंदर, और यही बेस बना के चलिए आप कि थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट, तो आंसर क्या जाएगा, बी। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताएगी, जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, तो यहां पर हो गया आपका बी आंसर। अब बात आता है सेकंड क्वेश्चंस, तो ये हमारे पास सेकंड है, अरेंज
इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HCl, बहुत अच्छा है। ये कौन सा है? माइनस एम। ये कौन सा है? कुछ भी नहीं, यहाँ पर प्लस एम। तो प्लस एम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि बनना तो कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन जितना अच्छा होगा उतना ही प्लस एम बढ़ेगा। तो थर्ड सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट। तो आंसर क्या जाएगा? सी। आंसर सी टिक करेंगे, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से देखना है। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, रीड करना शुरू कर दो। ICL करना है, प्रोडक्ट मेजर बनाना है। बिल्कुल, यहाँ कोई परऑक्साइड नहीं दे रखा है, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। तो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम यानी Cl- अटैच ऑन दोस कार्बन विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिकॉफ ने कहा था, यानी Cl यहाँ अटैच होगा और I यहाँ होगा, तो इसका मतलब C3 का आंसर क्या जाएगा? B। C3 का आंसर B लॉक करें। अगला C4 करिए, C4 भी लॉक करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना। C4 क्या कहता है? C4 देखिए, C4 आपके पास कह रहा है PCl3, अच्छी बात है, HOCl है। P मेजर क्या होगा मैं आपको फिर बता दूं, सबसे पहले जो प्लस पार्ट है वो आएगा और कार्बोकेटायन बनाएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन में आप सोचिए कहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, इस जगह। अरे तीन तीन Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं भाई, उसकी हालत खराब कर देंगे। तो कार्बोकेटायन यहाँ स्टेबल होगा, तो जहां कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वहां OH अटैच होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या जाएगा? C4 का B। मैं फिर बता रहा हूं, आप इस बार कार्बोकेटायन बना लीजिए C4 में, तो B आंसर आपके पास आ जाएगा। C5 देखिए, इन विच रिएक्शन द प्रेडिक्ट फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ऑब्जर्व। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहां ऑब्जर्व होने को देखने को मिल रहा है? आपको हर जगह बनाने पड़ेगा क्या? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन बना के देखना पड़ेगा, और मार्कोनिकॉफ ये कहता है Cl पार्ट यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैच ऑन दोस कार्बन विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सारे एक एक करके। Cl मान लिया कार्बोकेटायन यहाँ है, लेकिन बहुत ज्यादा इसकी वजह से यहाँ स्टेबल नहीं होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर Cl। तो ये एक तरह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिख रहा है, प्रोडक्ट वैसा है। तो यहाँ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ आपके पास। अब आप C5 का आंसर देखिए, C5 के अंदर आपके पास आंसर बिल्कुल, और एंटी मार्कोनिकॉफ ही तो पूछ रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ देखने को मिल रहा है? यही, यानी आंसर क्या हो गया? ए। इस तरफ देखिए, HCl है, प्लस अटैच करना है, प्लस में यहाँ अटैच करूंगा और यहाँ पर ही Cl अटैच हो जाएगा, बिल्कुल है। तो मार्कोनिकॉफ रूल हो गया, Cl वहाँ अटैच हो रहा है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। तो जब आपका आंसर ए आ रहा है तो ए लिख लीजिए आप। नेक्स्ट, विच ऑफ विल फॉर्म 2-2 डाई ब्रोमो प्रोपेन विद HBr, ठीक है, HBr के साथ कौन देगा डाई ब्रोमो प्रोपेन? तो मार्कोनिकॉफ रूल से लगाएंगे, यहाँ पर दोनों ही Br यहाँ अटैच होगी, तो आपके पास क्या आंसर जा रहा है? C6 का, जल्दी से बताइए C6 का, देखते हैं। और अभी हमारे पास ब्रोमीन 2-2 डाई ब्रोमो प्रोपेन विद HBr, कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, ब्रोमीन यहाँ आएगा, लेकिन एक बात बताइए, एक ही तो ब्रोमीन आएगा, हमें तो दो ब्रोमीन चाहिए, तो ये हमारे लिए आंसर सही नहीं होगा। क्या ये सही जाएगा? हाँ। क्या ये ऑलरेडी एक है फिर एक और ले लेगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ दो बार HBr ऐड होगा ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से, तो इसलिए आंसर बी सी दोनों जाएंगे, और बी सी का मतलब आंसर सिंगल चॉइस में क्या जाएगा? फाइनली डी। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर C7, तो देखिए C7 क्या कहता है। C7 आपके पास है फिनाइल रिंग के, H2SO4 है, कार्बोकेटायन बनाएंगे, H+ अटैक करेंगे, कार्बोकेटायन यहाँ आएगा, फिर वो 1-2 शिफ्टिंग करके यहाँ आएगा और OH भी यहीं लगाएगा। तो 1-2 शिफ्टिंग होने के बाद ये पूरा आपका पास आंसर क्या जाएगा? सी। मैं एक बार और बता दूँ, सबसे पहले H यहाँ अटैच होगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, 1-2 शिफ्टिंग होगी, फिर कार्बोकेटायन यहाँ आएगा और फिर वहीं पर OH आ जाएगा। तो आंसर C7 का क्या आएगा? सी। करिए इसको, C7 का आंसर आपके पास सी। C8 को भी करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरी ट्रिक बिल्कुल काम आएगी। Br2 एडिशन करना है, Br2 एडिशन अपने आप में एंटी होता है नेगेटिव, दोनों यहाँ पर सिस एल्कीन है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी दोनों Br आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे, आंसर क्या जाएगा? बी। तो ये आपके लिए है, बहुत अच्छा, और रेसेमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो बी आंसर आप टिक करें। और C9 आपके पास आएगा इस तरफ, देखिए
व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन वन मोल ऑफ पेंट वन आइन रिएक्ट विद टू मोल ऑफ HCl? अरे भाई HCl है, पेंट वन आइन, ये पेंट वन आइन, एक दो तीन चार पाँच, वन आइन, तो एक तरह से टू टू डाई क्लोरो पेंटेन आपको देखने को मिलेगा, आंसर डी जाएगा इसका, क्योंकि दो बार HCl का अटैचमेंट होगा, तो C9 का क्या आंसर जा रहा है, डी। 10 को पढ़ लीजिए, द प्रोडक्ट वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ वन ब्यूटाइन, बिल्कुल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है और इसमें एक फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, कीटोन, तो और क्योंकि ब्यूटाइन है तो यहां हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल की तरह ही आपको बनाना होता है और हमारा आंसर क्या जाएगा, ए। तो एक तरह से ये हमारे पास पहला ये बनती है इनोल और आपको समझ में आ जाएगा और ट्यूटोमेरिस की वजह से ये कीटोन देगा, तो आंसर क्या जाएगा, C10 का ए। अब बात करते हैं मैच द कॉलम, मैच द कॉलम हमारे पास दो हैं, दोनों को देखिए बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, क्या कह रहा है ये मैच द कॉलम, फर्स्ट लिस्ट है बताइए ब्रोमिनेशंस कौन सी रिएक्शन देगा, फ्री रेडिकल, यानी थर्ड नंबर का आएगा इसका आंसर, इसका थर्ड आया तो ये दो अभी तक सही है और ये तो गलत हो गए, यानी पी का आंसर थर्ड थर्ड। अब देखते हैं इनमें आगे कौन सा होगा, क्यू CCl4 है Br2 है, एक तरह से हमारे लिए यहां पर एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी फर्स्ट, तो इसका मतलब बी भी गलत है, इसका आंसर क्या जाएगा, डी। बाकी दो सही हो रहे हैं और कोई और ऑप्शन नहीं है तो आगे होगा इलेक्ट्रो, ये होगा फ्री रेडिकल रिएक्शन, बिल्कुल है फ्री रेडिकल होगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन, तो यहाँ पर हमारे लिए देखा जाए तो हमारे लिए ये तो हो जाएगा इस जगह Br+Br-, फ्री रेडिकल नहीं है, Br+Br- जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यानी इसका आंसर 4 जाएगा और इसके अंदर आपके पास H- बनेगा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, यानी 2 आंसर, इसका आंसर डी जा रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, Cl अपने आप में क्या है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग यानी क्यू आंसर है पक्का और ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, क्यू और एंड आर, CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है तो एक्टिवेटिंग है यानी कि पी और आर, OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है पी आर ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, NO2 डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्यू और मेटा डायरेक्टिंग है तो क्यू एस, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार हम कर चुके हैं तो अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। इस तरह के और बहुत सारे असाइनमेंट आपको करने को मिलेंगे, टाइम टू टाइम मैं लोड करता रहूंगा, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तीनों में मजेदार असाइनमेंट आपको है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और ध्यान रखना बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और आपके अच्छे कमेंट ही मेरे को एनर्जी देंगे, ठीक है, तो लग जाओ अच्छे से मेहनत पे।